आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। तुम इसे क्यों ब्लेम कर रही हो जबकि गलती तुम्हारी है। मेरी गलती कैसे है अभी शगुन? आलिया ने आदि के लिए कपड़े सिलेक्ट किए थे लेकिन तुमने उसे चेंज करवा के अपने चॉइस के कपड़े पहने। आई मीन व्हाट वाज द रीजन? तुम्हें पता भी है कि आलिया कितनी हर्ट हुई है। तुम्हें हर चीज में इंटरफेयर करने की क्या जरूरत है शीता? व्हाई डोंट यू जस्ट स्टे आउट ऑफ इट? तुमको लगता है कि मैंने जबरदस्ती आदि को कपड़े पहनाए? शगुन, आदि को एक प्रेजेंटेशन के लिए जाना था और वो किसी भी प्रेजेंटेशन में हमेशा फॉर्मल कपड़े पहनता है। वो आलिया के दिए हुए कपड़ों में कंफर्टेबल नहीं था। ऐसा नहीं कि मैंने जबरदस्ती करके पहनाया और मैं आलिया के अगेंस्ट कुछ भी करूंगी क्या? आलिया मेरी बेटी है। तुम्हें लगता है कि वो मेरी बहू है लेकिन वो मेरी बेटी पहले है। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दिस? और प्लीज, तुम क्यों बोल रही हो हमारे बीच में? ये हमारे घर का मामला है, बेहतर है हमारे घर में ही रहने दो। मैं नहीं चाहती कि तुम आके यहाँ पे बीच में इंटरफेयर करो, प्लीज। आलिया, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम उस घर की बहू हो, भल्ला परिवार की बहू। देखो, मैं एक टिपिकल सास की तरह साउंड कर रही होंगी शायद, लेकिन मैं पहले तुम्हारी अम्मा हूँ एंड आई नीड टू टेल यू दिस। इस घर में जो बात होती है हर एक बात जाके तुम्हें अपनी मम्मा को बताने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ के घर वालों को लगेगा कि तुम जाके सबकी शिकायत कर रही हो। अच्छी बात नहीं है ये। मेरी अम्मा भी तो पड़ोस में रहती हैं। क्या मैं उन्हें जाके हर बात बताती हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? नहीं ना, शेयरिंग इज ओके, लेकिन अपने घर की बात ना घर में रहनी चाहिए, ठीक है? अपने से बड़ों के रिस्पेक्ट करने का ये एक सबसे अच्छा तरीका होता है कि उनकी बात हम सीक्रेट रखें, घर के अंदर रखें। Are you understanding me? But what was the... Mama, please. वो आपको ट्रैवल एजेंट से मिलना था ना? हाँ गुप्ता अंकल जी, आप सबसे पहले मुझे डीलर्स की फाइल मेल कीजिए जी। हाँ 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 हाँ, मैंने कोटेशन सब कुछ रेडी कर दिया। चलिए मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। ओके, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। बिग डे, प्रेजेंटेशन की हो गई तैयारी? सब तैयारी हो गई। गुड, आज तो मैं बेस्ट कपड़े पहन के जाना चाहिए। जो भी निकालोगे वो परफेक्ट ही होंगे शिमा, क्योंकि आपको मेरा टेस्ट अच्छे से पता है। आप प्लीज रेडी कर दीजिए। तुम ना इस पे बहुत अच्छे लगते हो। ये तो तुमने पिछले बार पहना था ना मीटिंग में, ये नहीं। आई थिंक ये भी बहुत अच्छा जाएगा इसके साथ। हमारे पापा की तो फेवरेट चॉइस है पिंक। कैसा लग रहा है? अच्छा है ना? परफेक्ट। या गुड। अरे टाइट टाइट टाइट, इसके साथ बहुत ज्यादा हो जाएगा ना पिंकी डिंकी। एक पिंक है तो एक काम करती हूँ, तुम्हारे पापा ना एक नई टाई लेकर आए, मैं वो लेकर आती हूँ। पापा की टाई? हाँ पापा की टाई। उनके नाक के नीचे से चुरा के लाऊंगी। ये लो। अच्छा तो लग रहा है ना तुम्हें? बहुत अच्छा लग रहा है। आई नो तुम हमेशा इसी तरह के फॉर्मल कपड़े पहन के जाते हो, आज एकदम डैपर बन के जाना, जेंटलमैन टाइप, सब इतने से जाने चाहिए। थैंक यू। सारी चीजें बहुत आसानी से सॉर्ट करने के लिए मेरे लिए। हमेशा से करते आई हूँ, तुम्हारी माँ हूँ। बस डू इट वेल, ये प्रेजेंटेशन तुम्हारा बहुत अच्छा जा रहा चाहिए, मैं ये चाहती हूँ। आती हूँ। आपने निकाली है तो अच्छी होगी। थैंक यू। ये आदि, तुम ये कपड़े पहनने वाले प्रेजेंटेशन में? हाँ। पर तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज्यादा ही ओल्ड फैशन है? और तुमने तो बताया था ना तुम्हारी मीटिंग इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ है, तो फिर आई डोंट थिंक तुम्हें यही पहनना चाहिए। वेट, मैं तुम्हारे लिए कुछ और देखती हूँ। आलिया, ये कपड़े इश्मा ने निकाले हैं यार मेरे लिए। आई अंडरस्टैंड आदि, पर तुम भी तो सोचो, आजकल जो इन है तुम्हें वही पहनना चाहिए ना। और अगर तुम ये पहनोगे ना तो मेरे ख्याल से क्लाइंट और ज्यादा इंप्रेस हो जाएंगे। और मुझे लगता है ना ये पहन के तुम बहुत स्मार्ट लगोगे। आई एम सॉरी टू, एक्चुअली रेड टी शर्ट। अब ये तो आदि कभी भी ऑफिस में मीटिंग्स के लिए हाँ माँ, पर वो क्या है ना आजकल कॉर्पोरेट फैशन ना बदल गया है, तो इतने फॉर्मल कपड़े ना आजकल कोई पहनता ही नहीं है, तो इसलिए मैंने आदि को सजेस्ट किया कि ही शुड वेयर दिस। और देखो ना, मुझे ये लगता है कि ये पहन के ना आदि बहुत ही एलिगेंट, बहुत स्मार्ट लगेगा। सी,
ये कलर ना आदि पे बहुत सूट कर रहा है। आदि तुम्हें अच्छा लग रहा, तुम कंफर्टेबल रहोगे? हाँ ठीक है, अच्छा है। जल्दी रेडी हो जाओ। थैंक गॉड, दोनों के बीच में कपड़ों को लेकर आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ। पहन ले बेटा, बीवी ने दिए। क्या हुआ, आदि को टाइप पसंद नहीं है? आजकल के जो बच्चे हैं ना, इनको फैशन के आगे कुछ सूझता ही नहीं है। मतलब कंफर्ट वगैरह तो देखते ही नहीं है, समझ ही नहीं आता मुझे। मैं समझा नहीं कुछ, प्लीज एक्सप्लेन। अभी आर्या को देखो, उसने ऐसे कपड़े निकाल के दिए आदि को जो कि वो कभी नहीं पहनेगा, कभी किसी मीटिंग या प्रेजेंटेशन के लिए। रमन, लाल रंग की टी शर्ट, जीन्स, ब्लेजर, आदि ऐसे कपड़े पहन के जाएगा कि प्रेजेंटेशन के वो क्लियरली अनकंफर्टेबल था। अब मैं कैसे समझाऊं, समझ नहीं आ रहा। आदि का फॉर्मल तो नहीं अड़ता, वो गड़ा सांस ले मदर संग यार। अरे मुझे क्या हुआ है रमन, ठीक तो हूँ मैं। जब तू ये तमिल में बड़बड़ाती है ना, तो मैं जानता हूँ तुझे क्या हुआ है। देख यार, सिंपल सी बात है, आदि अब तेरा बेटा नहीं रहा, वो आलिया का पति है, शादीशुदा है वो यार, पति पत्नी है वो लोग। और अच्छी बात है ना कि पति अपनी पत्नी की बात सुने, ना कि अपनी माँ की। मैं नहीं सुनता तेरी हर बात, अब तू हर बार उनके बीच में इंटरफेयर करेगी तो कैसे चलेगा? बच्चा नहीं रहा वो यार, और तू कितनी अनुकूल सांस लगेगी पता है तुझे, बनना अनुकूल सांस। तो छोड़ यार, पल्लू से निकाल अपने बेटे को, छोड़ दे उसको आजाद। रमन, मैं कोई इंटरफेयर करने वाली पॉसेसिव सी माँ नहीं हूँ। आई एम कूल, आई एम द कूलेस्ट। इफ यू से सो। इतना इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है आदि के लिए। हैंडसम बॉय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, लुकिंग सो ग्रेट। थैंक यू सो मच यार, तुम तो ऑफिस हमेशा फॉर्मल्स में जाते थे, आज अचानक से ऐसा तुम्हारा रूप कैसे चेंज हो गया? मैंने सोचा आज थोड़ा चेंज करके देखते हैं। मुझसे इंस्पायर हो रहे हो। आप कैसे? यार वो मेरा कंप्यूटर सा कॉन्ट्रैक्ट है ना तुम्हारी कंपनी के साथ, तो मैं तुम्हारे ऑफिस ही जा रहा था उसे रिन्यू करने के लिए। अरे बिल्कुल, तो चलिए ना, इसीलिए तो मैं खड़ा हूँ। चलिए आदि। आदि ये लेके जाओ। शुमा, लेकिन ये नहीं चाहिए, इट्स ओके। बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है ना तुम्हारा। आई नो तुमको फॉर्मल पहनना था, और तुम हमेशा ऐसे इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशंस में फॉर्मल ही पहनते हो। और मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, इसने आलिया का दिल नहीं दुखाया, आलिया ने कहा और इसने कपड़ा पहन लिया, एंड दैट्स वेरी वेरी नाइस, आई एम प्राउड ऑफ यू। बट तुम चिंता मत करो, देखो मैं ये चाहती हूँ कि तुम वहाँ कंफर्टेबल रहो, अपने कपड़ों में या उन थॉट्स में मत उलझे रहो। तो तुम्हें अगर ठीक लगे, तुम चाहते हो तो ये कपड़े पहन लेना, और लेकिन घर आते समय ना वापस यही वाले कपड़े पहन के आना, ताकि आलिया को बुरा ना लगे, ठीक है? शिमा, मतलब बिना बोले आपको कैसे पता चल जाता है यार सब कुछ? माँ तुम्हारी। थैंक यू सो मच, एंड आई लव यू। लव यू टू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, चलो चलो, बाय शिमा। बाय जीजू। क्यों कर रही हो इंटरफेयर? इंटरफेरेंस नहीं है रमन, आदि के कंफर्ट का भी सोचा और आलिया का दिल का भी। हाय आलिया। मम्मा सिट ना। अनपैक कर रही हो? हाँ बस थोड़ा बहुत सामान। अच्छा लिसन, ये तुम्हारे पासपोर्ट रिन्यूअल का फॉर्म है, इसे भर देना, प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ओके मम्मा, पता है आदि को नए कॉन्ट्रैक्ट की डील मिली है और आज उसका प्रेजेंटेशन है, अब तक तो हो भी गया होगा। और आपको पता है उसके प्रेजेंटेशन के लिए उसके कपड़े मैंने डिसाइड किए थे। हाउ लवली, आई एम श्योर जो तुमने कपड़े सिलेक्ट किए होंगे ना बहुत अच्छे होंगे। और पता है मैंने आज उसके लिए खाना भी बनाया, टिफिन भेजा उसके लिए। अरे वाह, आई जस्ट होप उसको पसंद आए। आई डोंट नो उसने खाया होगा अभी तक कि नहीं, फोन करके पूछ लो ना। ग्रेट आदि सर, आपने क्या प्रेजेंटेशन दिया है। थैंक यू। हेलो हेलो आलिया, गेस व्हाट,
मुझे डील मिल गई है। मुझे पता था ये डील तुम्हें पक्का मिलेगी। I'm so proud of you, Adi. Congratulations. Thank you so much. और listen, अपने excitement में ना खाना खाना मत बोलना। आज अपने हाथों से बनाया मैंने खाना। टिफिन चेक करो और फिर खाना खा के मुझे बताओ कि खाना कैसा बना है। कैसे खाना खाना भूल सकता हूँ? अब तुमने भेजा और वो टेस्टी भी होगा, मैं पक्का खा लूंगा। आदि, अच्छा मुझे पापा बुला रहे हैं, मैं बाद में करता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। वैसे क्या बनाया है खाने में? मैंने आदि के लिए ना अरबी की गीली सब्जी और भिंडी की सूखी सब्जी बनाई है, इसको पसंद आएगा बहुत। एक्चुअली आदि को भिंडी और अरबी ज्यादा पसंद नहीं है। आदि को ये पसंद नहीं है, पर गौरी दी ने तो मुझे यही सब्जी दी थी बनाने के लिए, तो मैंने यही बना दी। इट्स ओके, तुमने इतना प्यार से बनाया है, आई एम श्योर उसे पसंद आएगी। अब एनीवे तुम आदि को वीडियो कॉल करो, काफी टाइम से मेरी उससे बात नहीं हुई है और मैं उसे इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉन्ग्रेचुलेट भी कर दूंगी। अरे यार, अरबी भिंडी कौन खाता है? बेटा बीवी ने बना के भेजा, खाने पड़ेंगे। हेलो। अरे क्या बात, मैम का मुंह उतरा उतरा क्यों है भाई? अच्छा वैसे आलिया, खाना बहुत ही यमी बनाती हो यार तुम, मतलब मैं उंगलियां चाटता रह गया। आदि तुम झूठ कितने अच्छे से बोलते हो, मुझे पता तुम्हें खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। नहीं नहीं, किसने कहा खाना अच्छा नहीं बना, बहुत अच्छा खाना बना है सच में। आदि बेटा वो एक्चुअली मैंने आलिया को बता दिया कि तुम्हें अरबी और भिंडी बिल्कुल नहीं पसंद। सॉरी आदि, इसमें मैनेज कर लो, नेक्स्ट टाइम पक्का ध्यान रखूंगी, तुम्हारा फेवरेट ही बनाऊंगी। आलिया कम ऑन यार, तुमने इतने प्यार से खाना बनाया और गंदा कैसे हो सकता है, वो बहुत यम्मी खाना बना है सच में। अनादि कांग्रेचुलेशंस, तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया ना। थैंक यू सो मच मॉम, एक मिनट में आपको कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स दिखाता हूँ। ये तो वो कपड़े नहीं है जो मैंने आदि के लिए निकाले थे, ये तो अम्मा ने सजेस्ट किए थे। मॉम ये रहे पेपर्स। How lovely! आदि ये तो वो कपड़े नहीं है ना जो मैंने सजेस्ट किए थे। अब कपड़े आलिया वो एक्चुअली क्या हुआ ना। आदि डोंट टॉक टू मी नाउ। अरे मेरी बात तो सुनो आलिया, आलिया मेरी बात। यार ये क्या नई मुसीबत है यार। ये इशिता भी नहीं, उसे कोई काम धंधा नहीं, बस उसको दूसरों के लाइफ में इंटरफेयर करना आता है। गौरी क्या करती हो तुम, आलिया के हाथ में तुमने अरबी भिंडी क्यों दी? उसने वही बना दी ना, उसकी आदि को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्यों किया तुमने ऐसा? तुम इसे क्यों ब्लेम कर रही हो जबकि गलती तुम्हारी है। मेरी गलती कैसे है अभी शगुन? आलिया ने आदि के लिए कपड़े सिलेक्ट किए थे लेकिन तुमने उसे चेंज करवा के अपने चॉइस के कपड़े पहने। आई मीन व्हाट वाज द रीजन? तुम्हें पता भी है कि आलिया कितनी हर्ट हुई है, तुम्हें हर चीज में इंटरफेयर करने की क्या जरूरत है इशिता? व्हाई डोंट यू जस्ट स्टे आउट ऑफ इट? तुमको लगता है कि मैंने जबरदस्ती आदि को कपड़े पहनाए? शगुन आदि को एक प्रेजेंटेशन के लिए जाना था और वो किसी भी प्रेजेंटेशन में हमेशा फॉर्मल कपड़े पहनता है, वो आलिया के दिए हुए कपड़ों में कंफर्टेबल नहीं था। ऐसा नहीं कि मैंने जबरदस्ती करके पहनाया और मैं आलिया के अगेंस्ट कुछ भी करूंगी क्या? आलिया मेरी बेटी है, तुम्हें लगता है कि वो मेरी बहू है लेकिन वो मेरी बेटी पहले है। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दिस? और प्लीज तुम क्यों बोल रही हो हमारे बीच में? ये हमारे घर का मामला है, बेहतर है हमारे घर में ही रहने दो। मैं नहीं चाहती कि तुम आके यहाँ पे बीच में इंटरफेयर करो, प्लीज। आलिया मुझे तुमसे बात करनी है, तुम इस घर की बहू हो, भल्ला परिवार की बहू। देखो मैं एक टिपिकल सास की तरह साउंड कर रही होंगी शायद, लेकिन मैं पहले तुम्हारी अम्मा हूँ एंड आई नीड टू टेल यू दिस। इस घर में जो बात होती है हर एक बात जाके तुम्हें अपनी मम्मा को बताने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ के घर वालों को लगेगा कि तुम जाके सबकी शिकायत कर रही हो, अच्छी बात नहीं है ये। मेरी अम्मा भी तो पड़ोस में रहती हैं, क्या मैं उन्हें जाके हर बात बताती हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? नहीं ना, शेयरिंग इज ओके लेकिन अपने घर की बात ना घर में रहनी चाहिए, ठीक है? अपने से बड़ों के रिस्पेक्ट करने का ये एक सबसे अच्छा तरीका होता है कि उनकी बात हम सीक्रेट रखें, घर के अंदर रखें। आई अंडरस्टैंडिंग मी?
But what was the... Mama, please. वो आपको ट्रैवल एजेंट से मिलना था ना? अब just let me know वो क्या बात होती है आपकी. जिस बात का डर था वही हुआ. मैंने तुमसे कहा था इंटरफेयर मत करो, तुम्हें बात समझ क्यों नहीं आती यार? तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं? आले को पता चल गया कि आदि ने वो कपड़े नहीं पहने जो उसने सिलेक्ट किए थे. यार हफ्ता हुआ नहीं उनकी शादी को, भी झगड़े शुरू हो गए. रमन, मैं बस यही चाहती थी कि आदि कंफर्टेबल रहे. उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन था आज, उससे ज्यादा मैंने और कुछ नहीं चाहा था. और आदि आलिया, मैं इन दोनों के कंफर्ट के बारे में सोच रही थी. मैं आलिया को हर्ट थोड़े ही करना चाहती थी. आलिया एक बार मेरी बात तो सुन लो आराम से यार. मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कुछ जवाब दोगी या नहीं दोगी? आलिया, इतनी देर से मैं तुमसे बात कर रहा हूँ. लिसन, फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे वो कपड़े नहीं पसंद थे जो तुमने मुझे निकाल के दिए. हाँ, मैंने तुम्हें पहले वो चीज नहीं बोली क्योंकि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था. और इशी माँ को पता है कि मैं कॉर्पोरेट मीटिंग्स के लिए सूट पहनता हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे निकाल के दिया. सिंपल, तुम्हें नाराज नहीं करना चाहती थी और उनको ये था कि बस मैं कंफर्टेबल रहूं यार वहां पे. वो मेरी हेल्प कर रही थी. इसे हेल्प नहीं कहते शिता, इसे इंटरफेयर करना कहते हैं. अरे पति पत्नी है, दोनों गलतियां करेंगे, सीखिए अपनी अपनी गलती से यार. और तुम्हारे कॉन्स्टेंट नैगिंग से पता क्या लगता हुआ कि तुम उसकी अम्मा नहीं है, एक इंटरफेयरिंग सास बन गई है. ऐसा नहीं है रमन, मैं इंटरफेयरिंग सास नहीं हूं. यू नो व्हाट, शगुन का भी मुझे फोन आया था. शगुन भी चिढ़ी हुई है वहां पर. तुम दोनों के बीच जो हुआ ना उसका क्या हुआ रमन? ऐसा क्या हुआ? मुझे अच्छा नहीं लगा कि आलिया जाके हर बात अपनी मम्मा को बताती है. वो हमारे घर के मामले में इंटरफेयर करे, ये तो सही बात नहीं है ना रमन? आयुष्मान, इतनी सी बात? इतनी सी तो बात है रमन. मैंने आलिया को डांटा उस समय. एक माँ या एक सास, अब जो भी कह लो, अब उसको मेरी बात अच्छी लगे या बुरी लगे, पर मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसको सही रास्ता दिखाऊं. मैं वही दिखा रही थी. पर इशिता, शायद आलिया को ऐसा नहीं लगता ना. मुझे नहीं समझ आ रहा रमन, आप बार बार लेकिन ये मत बोला करो कि मैं ओवर प्रोटेक्टिव मदर हूँ या इंटरफेयरिंग सास हूँ. वैसी बात नहीं है. चलो ठीक है, अब तुम्हारे बोलने से मैं नहीं मानूंगा, तुम्हें प्रूफ करना होगा. यू टू प्रूव कि तुम एक इंटरफेयरिंग सास और ओवर पोजेसिव मदर नहीं है. कर सकती हो साबित? कर सकती हूँ. देखे ये मदरा सन वैसा क्या करेगी, लेकिन जो भी करेगी मजा आएगा. आलिया, इशिमा को जितने अच्छे से मैं जानता हूँ उतने अच्छे से तुम भी नहीं जानती हो. और ये टिपिकल बहू जैसा क्यों बिहेव कर रही हो? क्यों इशिमा को अपना दुश्मन बना रही हो यार? मैं टिपिकल बहू की तरह बिहेव कर रही हूँ? Why don't you understand one thing? तुम अगर ये चीज पहले बता देते तो मुझे बुरा नहीं लगता. और हाँ, अम्मा मेरी माँ है, उन्होंने बचपन से मुझे पाला है, तो सडनली वो सास की तरह बिहेव क्यों कर रही है? अरे तो तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें भी इस बात का पता होना चाहिए आलिया. I'm so sorry. नहीं, मैंने जो तुमसे आज बात की, दरअसल मैं एक माँ बस अपनी बेटी को समझाना चाह रही थी कि ससुराल और मायका दोनों के बीच में रिश्ता मेंटेन करके रखना जरूरी होता है. खुशियाँ बनी रहे दोनों परिवारों के बीच में, इसके लिए जरूरी है कि बहू अपने ससुराल की बातें ससुराल में रखे, मायके में जाके शेयर ना करे. बस इतनी सी बात थी. पर अम्मा, ट्रस्ट मी, मैंने शगुन मामा को कुछ नहीं बताया. वो तो मैं आदि से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी तो मुझे पता चला कि आदि ने वो कपड़े नहीं पहने जो मैंने सजेस्ट किए थे, तो मैं थोड़ा अपसेट हो गई थी. तभी शगुन मामा को पता चला, पर पर्सनली मैंने उनको कुछ नहीं बताया. ट्रस्ट मी, आई एम सॉरी. शगुन ने आके ऐसे बोला तो मुझे लगा. देखा, कहा था ना, ये तुम्हारी अम्मा नहीं रही, टिपिकल सास हो गई. सीरियसली? बिल्कुल नहीं, मैं कोई टिपिकल सास नहीं हुई हूँ. इनफैक्ट मैं तुम्हें बताने आई थी कि आलिया, मैं वैसी नहीं हूँ कि मैं अपनी बहू को कंट्रोल करूँ, बल्कि मुझे लगता है कि अब मुझे बैक सीट लेना चाहिए. मुझे लगता है, देखो क्या होता है ना, कई बार हम एक चीज को अच्छा करना चाहते हैं और उसके कारण बहुत कुछ बिगड़ने लगता है. टाइम आ गया है कि हम अपनी अपनी जिम्मेदारियां शेयर करें. ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसका तुम अच्छे से ख्याल रखना. मैं कैसे? नहीं नहीं, प्लीज ले लो यार. यार तुम्हारी अम्मा सास जो है इनके साथ कम से कम मुझे वक्त मिल जाएगा, प्लीज. आलिया, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाओगी. थैंक यू सो मच. मैं ट्राई करूंगी कि
जिस तरह आप इस घर का ध्यान रखते हो ना, मैं भी वैसे ही रखूंगा। चले स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।